खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। भंडार वाले के गांव से भगोड़ा अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। आज हम आपको बताएंगे कि अमृतपाल सिंह को पुलिस ने कब, कहां और कैसे पकड़ा और उसने गिरफ्तारी से पहले क्या बोला, तो आइए जानते हैं विस्तार से। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने 36 दिन की फरारी के बाद मोगा जिले में रोडे गांव के गुरुद्वारे से रविवार सुबह 6 बजे के आसपास अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पंजाब पुलिस उसे भटिंडा के एयरफोर्स स्टेशन ले गई, जहां से उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद मोगा में तनाव की स्थिति है, जिसके लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। गुरुद्वारे की ग्रंथी ने बताया कि अमृतपाल शनिवार रात को रोडे गांव पहुंचा था। आज सुबह गिरफ्तारी से पहले उसने गुरुद्वारे की ग्रंथी से 5 कागार लेकर पहने और प्रवचन के जरिए लोगों को संबोधित किया। चंडीगढ़ के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट जारी हुए थे, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी एनएसए के अधीन हुई है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब के लोगों ने शांति कानून व्यवस्था बनाई रखी, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जिस रोडे गांव से अमृतपाल को पकड़ा गया है, वही जनरल सिंह भिंडार वाले का जन्म हुआ था। वारिस पंजाब दे का प्रमुख बनने के लिए यही उसकी दस्तारबंदी हुई थी। अमृतपाल समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर करके शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। इसके लिए रविवार का दिन चुना गया था। अमृतपाल के करीबियों ने ही पंजाब पुलिस को उसके सरेंडर प्लान के बारे में बताया। गिरफ्तारी से पहले क्या बोला अमृतपाल, हम आपको बताते हैं। रोडे गांव गुरुद्वारे में प्रवचन के दौरान अमृतपाल ने कहा, यह जनरल सिंह भंडार वाले का जन्म स्थान है। उसी जगह पर हम अपना काम बढ़ा रहे हैं और अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक महीने से जो कुछ हो रहा है वह सब सभी ने देखा है। अगर सिर्फ गिरफ्तारी की बात होती तो गिरफ्तारी के बहुत तरीके थे, हम सहयोग करते। अमृतपाल ने आगे कहा कि दुनिया की कचहरी में हम दोषी हो सकते हैं, सच्चे गुरु की कचहरी में नहीं। एक महीने बाद फैसला किया, इस धरती पर लड़े हैं और लड़ेंगे। जो झूठे केस हैं उनका सामना करेंगे। गिरफ्तारी अंत नहीं, शुरुआत है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अमृतपाल की गिरफ्तारी पर ट्वीट कर कहा कि आप सरकार किसी भी हालत में पंजाब में शांति भंग नहीं होने देगी। लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए हम सख्त से सख्त कदम लेने की भी हिम्मत रखते हैं। सब लोग शांति बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी टाइम। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है